सब्सक्राइब कीजिए इलेक्ट्रोकोटेन चैनल को और इस बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी चीज़ों को और भी करीब से जानने। तो दोस्तों, स्मार्टफोन का हो या टैबलेट का हो, जहाँ पर भी स्मार्ट डिवाइस की बात आ जाती है वहाँ पर हमें एक मोस्ट कॉमनली चीज़ देखने को मिलती है, वो है टच स्क्रीन वाला डिस्प्ले। तो दोस्तों, ये जो डिस्प्ले की टच है कैसे करता है काम, ऐसी कौन सी प्रोसेस जो कि टच के अंदर होती है, जो पता लगा पता है हमने इस वक्त किस कोने में डिस्प्ले की किस कोने में टच किया है, और टच की हुई जगह पर जो कि जो प्रोग्राम होती है वो प्रोग्राम हमारे सामने खुल जाती है। तो दोस्तों, ये जो कि प्रोसेस कैसे हो पाता है आज हम इस वीडियो में देखेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ दीपंकर, आप देख रहे हैं इलेक्ट्रोकोडिंग चैनल को। तो दोस्तों चलिए देख लेते हैं। तो दोस्तों, डिस्प्ले टच तो बहुत तरह की होती है। आज मैं इस वीडियो में आपको दो तरह के डिस्प्ले टच के बारे में बात करूंगी, जो मोस्ट कॉमनली अभी के टाइम इसे यूज़ किया जाता है। तो दोस्तों, एक है रेसिस्टिव टाइप डिस्प्ले और दूसरी है कैपेसिटिव टाइप डिस्प्ले। तो दोस्तों, रेसिस्टिव टाइप आप देख पाएंगे जो कि बड़े बड़े सुपरमार्केट पे या कोई एटीएम पर जाकर वहाँ पर जो टच स्क्रीन होती है वो है रेसिस्टिव टाइप। तो दोस्तों, ये रेसिस्टिव टाइप टच स्क्रीन कैसे काम कर पाता है, जो कि टच के अंदर दो लेयर होती है, एक होती है रेसिस्टिव और दूसरी है कंडक्टिव लेयर। तो दोस्तों, ये दोनों लेयर को जो कि आपस में छोटे छोटे डॉट्स के मदद से दोनों लेयर को अलग रखा जाता है टच के अंदर। आप जब भी स्क्रीन के ऊपर अपने उंगलियों को रखते हो तो दोस्तों आप फील कर पाएंगे जो कि डिस्प्ले थोड़ी सी हल्की सी दब जाती है। तो दोस्तों, जब भी दब जाती है तो दोस्तों दोनों लेयर आपस में मिल जाती है, तो तभी जो कि वहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप होती है, तो तभी आपकी जो कि फ़ोन की सॉफ्टवेयर है ये पता लगाता है आपने किस जगह पर अपनी उंगलियों का टच किया है, आप किस जगह पर वहाँ पर जो कि स्क्रीन पर दबाए हो। तो दोस्तों, ये सॉफ्टवेयर पता लगा कर आप जिस जगह पर दबाए हो उस जगह पर जो भी प्रोग्राम होती है उस प्रोग्राम को जो कि सॉफ्टवेयर खोल के आपके सामने रख देती है। और दोस्तों, इस टच में जो कि समस्या होती है, जो कि ये इतना भी फास्ट नहीं है, जो कि आपको काम करने के लिए एकदम बारीकी से टच करना होगा डिस्प्ले के ऊपर, प्रोग्राम के ऊपर, तभी है जो कि काम करता है। और ये जो डिस्प्ले की टच है, ये डिस्प्ले की थोड़ी सी लाइट रिफ्लेक्शन करती है, तो दोस्तों इतने भी अच्छी नहीं है। जो आप दोनों उंगलियों से जूम करते हो वो ये टच वाले में कर नहीं सकते हो, क्योंकि ये एक ही बारी में एक ही टच का जो कि रिस्पॉन्स दे सकती है। और दोस्तों, कैपेसिटिव टाइप स्क्रीन पर आपको काम करने के लिए कोई प्रेशर देने की ज़रूरत नहीं होती है। यहाँ पर जो कि यूज़ किया जा रहा है स्क्रीन के ऊपर छोटे छोटे कॉलम को, जो बना है इंडियम ऑक्साइड मटेरियल से छोटे छोटे कॉलम होती है, वहाँ पर एक जो कि पॉजिटिव इलेक्ट्रिसिटी दौड़ती है। और दोस्तों, आपकी जो कि बॉडी है कंडक्टिव, यहाँ पर आपकी जो कि बॉडी की चार्ज को वहाँ पर इस्तेमाल करा जाता है। आप जब भी कोई स्क्रीन के ऊपर टच करते हो तो दोस्तों, जिस जगह पर भी टच करते हो वहाँ पर एक वोल्टेज ड्रॉप होती है। तो दोस्तों, ये वोल्टेज ड्रॉप जो कि आपकी फ़ोन की सॉफ्टवेयर यहाँ पर पता लगा लेती है, जो कि आप कौन सी जगह पर टच कर रहे हो या कौन सी जगह पर वोल्टेज ड्रॉप हो रही है, वहाँ पर जो प्रोग्राम होती है वो प्रोग्राम जो कि आपकी फ़ोन आपके सामने खोल कर रख देती है। और दोस्तों, ये टेक्नोलॉजी बहुत ही एडवांस है, बहुत ही अच्छी है। यहाँ पर काम करने के लिए आपको जो कोई स्क्रीन के ऊपर प्रेशर देने की ज़रूरत नहीं होती। और दोस्तों, ये जो कि बहुत ही फास्ट है, बहुत ही जो कि बेहतर टेक्नोलॉजी है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये टचिंग टेक्नोलॉजी कैसे काम कर पाती है आपको पूरी की पूरी समझ आई होगी। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो का एक लाइक करना मत भूलिएगा, और वीडियो के बारे में और भी कुछ सुझाव है और भी कुछ जानना चाहिए तो नीचे कमेंट कर सकते हैं, और मेरे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि मैं हर दो दिन में एक ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो आपके लिए लाती रहती हूँ।